हेलो दोस्तों, सतीश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या पीसी लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूट्यूबर है और आपको एक जरूरत है लैपटॉप और पीसी का, तो दोस्तों आपको इसमें डाउट होगा कि हम लैपटॉप ले या पीसी ले, इसमें दोनों से बेस्ट कौन पड़ेगा, बेहतर कौन पड़ेगा, फायदा है लैपटॉप में है या पीसी में है। ये सब चीजें आपको अभी नॉलेज नहीं है तो जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने भी अभी पीसी खरीदा हुआ है, लेटेस्ट में खरीदा हुआ है, महीना दो महीना पहले। तो मैंने भी कहीं से स्टडी किया था और लोगों से जानकारियां ली थी, करते करते अंत में मैंने एक पीसी खरीदा हुआ था। तो दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक करें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पर नए काम कर रहे हैं, नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अभी आपके व्यूज जो है कम है, 10-12-20 व्यूज है और सब्सक्राइबर भी कम है, और आप चाहते हैं कि हम लैपटॉप या पीसी लेकर के उस पर एडिटिंग करें और उसी से अपलोड करें वगैरह वगैरह जो भी काम है सब उस पर सही हो जाए, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि अभी आप मत लीजिए, अभी आप पीसी या लैपटॉप मत लीजिए, अभी अपने वीडियो को रैंक कराइए और वीडियो को अपने चलाइए, कुछ दिन चलाइए, कुछ दिन सब्सक्राइबर भी गेन करिए। अगर देखते हैं कि अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं और आपका मन लगता है इसमें, तो लैपटॉप या पीसी लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये YouTube ऐसा चीज़ है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, जरूर शुरू शुरू में बहुत थे आते हैं, लेकिन अंत में फिर स्लो हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, उनका मन वहाँ से टूटने लगता है। तो यही बात है दोस्तों, हो सकता है कि आपका भी मन न लगे, फिर आप दूसरे जॉब पे लपट जाएं या फिर किसी और काम पे लपट जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अभी कुछ दिन तक टाइम देना चाहिए, लैपटॉप पीसी का सोचना नहीं चाहिए अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो। अगर आप यूट्यूबर पुराने हो गए हैं या फिर आपके व्यूज चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे काम करना है और मुझे लाइव पीसी से बनाना है या लाइव चलाना है, तो दोस्तों आपको लैपटॉप या पीसी के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या पीसी लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, लैपटॉप अगर आप ले लेंगे, लैपटॉप कोई भी कंपनी का आप ले लेंगे, डेल का, एचपी का, आसुस का, कोई भी का आप लैपटॉप ले लेंगे, तो दोस्तों उसमें जो भी फिक्स प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक जो भी मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। अब आप पे डिपेंड है कि लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर, कौन सा रैम, कौन सा ग्राफिक्स ले रहे हैं। अगर लैपटॉप में अगर लगभग 6 GB का ग्राफिक लेते हैं, लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर लेते हैं, एयरटेल का, तो दोस्तों आपको 70-80 हज़ार रुपये में लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 70-80 हज़ार रुपये में आपको पीसी भी मिल जाएगा, और पीसी दोस्तों लैपटॉप से बेस्ट होता है। अब बेस्ट क्यों होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, सबसे बड़ा बात है कि पीसी में दोस्तों ना जो भी चीजें पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो असेंबल होता है। असेंबल मतलब अलग अलग पार्ट को खरीद के, अलग अलग कंपनियों को हम लोग खरीद के इसको इसमें जोड़ते हैं, जो कि लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप में आपको जो कंपनी आसूस का या फिर एचपी का या फिर डेल का, उन्होंने जो एक बार बना के दे दिया वो उसी में फिक्स रहेगा, दोबारा वो हटेगा नहीं ना निकलेगा, और उसको ही लेकर लाइफ टाइम तक आप चलाइए, उसी को लाइफ टाइम तक लेकर बजा लीजिए, उतने ही ग्राफिक कार्ड में, उतने ही प्रोसेसर में, उतने ही रैम में आपको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप 5 साल तक यूज किए, 5 साल के बाद कोई लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर आ गया, लेटेस्ट जनरेशन का ग्राफिक आ गया, जो आपको आज ही और भी ज़्यादा का रैम चाहिए, तो दोस्तों क्या हुआ इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप YouTube से करते करते कुछ और भी ऊपर तक काम करने लगे, इंटरनेट पर आजकल बहुत सारे काम है, जैसे माइनिंग भी करते हैं, माइनिंग करने का या वगैरह वगैरह करने का जो भी सिस्टम अभी करना हो, तो इसमें सारा कुछ असेंबल होता है, चेंज किया जा सकता है। तो मैंने भी ये सोच करके लिया है कि अगर लाइफ में काम करना है तो आप पीसी लीजिएगा, लैपटॉप मत लीजिएगा। अब दोस्तों लैपटॉप की बात यह है कि लैपटॉप दोस्तों आप जानते हैं कि उसका लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, लैपटॉप की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन पीसी की लाइफ बहुत दिन होती है। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा कि लैपटॉप 5-6 साल बाद आपको फिर रिपेयर करवाना पड़ जाएगा, फिर आप उसको रिपेयर के बाद इतने खर्चे आ जाएंगे कि उसको फेंक देना पड़ेगा। लेकिन पीसी ऐसी चीज़ नहीं है, पीसी बहुत दिन चलता है, क्योंकि लैपटॉप के कंपेरिजन में जो इसका कंपोनेंट होता है, जो पार्ट होता है ना, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने में सब कुछ एडजस्ट कर दिया इतने पतले में, और देखिए ये पीसी इतना बड़ा, इतने बड़े में एडजस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से चलेंगे तो आपको पीसी बेस्ट पड़ेगा, और पीसी में जो दोस्तों वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, जो पीसी में हाई ग्राफिक की वजह से जो दोस्तों आप उसका ग्राफिक्स देख पाएंगे, जो उसका वीडियो क्वालिटी देख पाएंगे, उतने क्वालिटी, उतने बेस्ट चीज़ आपको लैपटॉप दोस्तों नहीं मिलेगा। तो और भी चीज़ें हैं जो कि लैपटॉप में कमियाँ हैं और पीसी से, मतलब पीसी से कम में ही लैपटॉप होता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं
तो आपको पीसी खरीदना चाहिए। और पीसी के लिए दोस्तों मैंने बता दिया इसके पहले वीडियो बताया था कि पीसी आप कौन सा खरीदे, क्या क्या ग्राफिक्स लगा, क्या क्या प्रोसेसर लगा, क्या क्या रैम लगा है और वगैरह वगैरह उसमें क्या क्या लगाया, सारा कुछ मैंने बता दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां पे आकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दोस्तों, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों।